नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। विधानसभा चुनाव 2021 संपन्न हो चुके हैं, उसके परिणाम भी घोषित हो चुकी है और तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत से अपना सरकार बना भी चुकी है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बंगाल के मुस्लिम समुदाय का काफ़ी अहम योगदान रहा है तृणमूल को सरकार बनाने में। बंगाल के मुस्लिम समुदाय ने एक मुश्त तृणमूल कांग्रेस को अपना मतदान दिया है। तो हर बार मुस्लिम समुदाय बंगाल सरकार को अपना मतदान देती रही है, तो आइए जानते हैं कि बंगाल में मुस्लिम समुदाय का स्थिति क्या है और उन्हें क्या क्या समस्याएं और क्या क्या सुविधाएं उन्हें मिल रही है और क्या क्या उनकी परेशानियां हैं। चूंकि हमेशा ही विपक्षी दल या खास करके भाजपा ये आरोप लगाती रही है कि बंगाल में मुस्लिमों को राज्य सरकार कुछ ज़्यादा तवज्जो देती है, यहाँ तक कि भाजपा के कई नेता और नेत्री भी कह चुकी है कि बंगाल में मुस्लिमों को दामाद की तरह रखा जाता है। तो आइए इस हकीकत से रूबरू होते हैं कि क्या वाकई में बंगाल में मुसलमान दामाद की तरह रहते हैं, क्या उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई गई है, शिक्षा रोजगार सारी सुविधा उन्हें उपलब्ध हैं, उनकी बस्तियां क्या अमेरिका की तरह लगती है, क्या बंगाल में मुसलमान सहंसा की तरह रहते हैं। तो आइए इन सारी बातों पे नज़र डालते हैं। हमारे संवाददाता मोहम्मद सद्दाम और कैमरामैन अलाउद्दीन खान के साथ। नमस्कार दोस्तों, आदाब, मैं मोहम्मद सद्दाम CFM न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी CFM टीम माइनॉरिटीज क्षेत्र यानी अल्पसंख्यक क्षेत्र में लोगों की क्या स्थिति है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुकी है, उसके बाद यहाँ से फिर से एक बार तृणमूल की सरकार बनी। इस दौरान आज से पिछले बार जब तृणमूल की सरकार बनी तो उसके बाद आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन हुआ। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन जमुड़िया, रानीगंज, कुलटी, ये तीनों म्युनिसिपैलिटी को भंग करने के बाद आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन हुआ, जिसके बाद वहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग टीम बनाई गई। उस दौरान MIC भी बनाए गए। वो टीम इसलिए बनाई गई क्योंकि माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यक लोग उसमें सुधार आ सके, उन क्षेत्रों में सुधार आ सके जिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक निवास करते हैं, उन जगहों पे सुधार आ सके जिस जगहों पे अल्पसंख्यकों को ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए आज हम लोग ये सर्वे करेंगे, ये देखेंगे, लोगों से जानकारी लेंगे कि उनके क्षेत्र में कितना विकास हो पाया है जब से 5 साल तक जो टीम बनी कॉरपोरेशन में माइनॉरिटी के लिए, उस टीम के तहत कितना काम हो पाया है और कितना काम नहीं हो पाया है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे उन लोगों से जो माइनॉरिटी है, उसके बाद उन लोगों से भी सवाल करेंगे जो अल्पसंख्यक नेता कहलाते हैं। इस दौरान अभी हम लोग मौजूद हैं कुलटी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 में। आइए हम लोग यहाँ के माइनॉरिटीज लोगों के बारे में जानेंगे कि उन लोगों को सरकार के द्वारा कितना लाभ दिया गया है। यहाँ जैसा कि मालूम है, साल 2015 में तृणमूल सरकार ने कॉरपोरेशन का जब गठन हुआ था, उस दौरान माइनॉरिटीज़ के लिए एक अलग संगठन बनाया था, एक अलग कमेटी बनाया था, तो उस दौरान माइनॉरिटीज़ को उसका उचित लाभ पहुँचाया जा सके, उस विषय के लिए यहाँ पर MIC को तैयार किया गया था।
तो उसके द्वारा कितना कार्य यहाँ पे हो पाया है? जैसा कि बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है और पूर्ण समर्थन माइनॉरिटीज का इस सरकार को दिया गया। और इस बार भी 2021 का जो गवर्नमेंट बनी है, हम समझते हैं कि हमारे इलाके से लेकर के पूरे पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी का पूरा पूरा समर्थन रहा है। हाँ, रही सरकार की तरफ से बहुत उदासीनता है, बहुत नाहली है, जो हम लोग की तरफ उस तरह से ध्यान जो देना चाहिए था ना दे पाया। अब तक बहुत सारी कमियां हैं, जो हम लोग की सबसे प्राइमरी चीज़ होता है एजुकेशन, हेल्थ, इस अगर बारे में बोला जाए तो हमारा नंबर 18 नंबर वार्ड कुल्टी म्यूनसिपल्टी के दो अंदर पड़ा, इस पर और तवज्जो देने की ज़रूरत थी। एक मौलाना आजाद स्कूल है जो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया, बिल्डिंग जर्जर स्कूल को तो देखा गया है, हमने अपने फुटेज में भी देखा कि वो स्कूल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। तो उस स्कूल की जर्जर अवस्था वो कितने दिनों से, कितने सालों से? लगभग मेरे समझ से तो बाम फ्रंट के टाइम से जो जर्जर अवस्था है, थोड़ी सी 340,000 से कुछ काम हुआ था, उसके बाद से मेरे समझ से और कुछ भी नहीं हुआ, छोटा मोटा स्कूल। लेकिन एक अच्छा और टाइप का होना चाहिए था, उसमें लाइब्रेरी हो जाता है या और कहीं भी लाइब्रेरी हो, जो एक कम्युनिटी को डेवलपमेंट के लिए जो प्राइमरी चीज़ है, वो कम से कम सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं कि मुहैया कराए, बड़ी खुशी होगी। पानी, बिजली, रास्ता, पानी तो ही तो आम चीज़ है जो सभी को अधिकार में आता है। लेकिन माइनॉरिटी, जैसे माइनॉरिटी के युवाओं के लिए लोन होना चाहिए था, माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड का, माइनॉरिटीज़ को लोन के लिए स्कीम दिया गया है, लेकिन उस स्कीम पता नहीं लग पाता है कहाँ से कार्यान्वयन, कहाँ उसका एक्टिवेशन कहाँ से होता है, काम कहाँ से होता है। इसको एक बड़े पैमाना पर टेम्पो चला गया, जिस तरह से आवाज़ दे करके कि यहाँ पर ये स्कीम दिया जा रहा है, आइए आप अपना फ़ायदा उठाइए, होता होगा कहीं पर, लेकिन सही से पता नहीं चल पाता है। कब्रिस्तान का मसला हम लोग का यहाँ है, रास्ता का परेशानी। अभी कब्रिस्तान में आप लोग का क्या मसला, क्या प्रॉब्लम, क्या रास्ता का परेशानी बनता है? रेलवे एक तरफ से इंक्रोचमेंट कर रही है, उससे कुछ मुआवजा मिला नहीं, और इधर से जो रास्ता बनने का था उस पर भी रोक लग गया, एक मंदिर बना करके, और एक तरफ किसी का पर्सनल ज़मीन है, तो हम लोग जाने आने में हो सकता है कल जब रेलवे ले ले, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उस कब्रिस्तान का नाम क्या है? इस्लामिया कब्रिस्तान सीतारामपुर स्टेशन मस्जिद कमेटी के तहत है। उसके अलावा यहाँ के बताया जा रहा था कि यहाँ का मस्जिद का जो रास्ता है उसमें भी बहुत ऐसा दिक्कत है। मस्जिद का रास्ता टूट फूट गया है, धसा जा रहा है, उसको भी देखने की जरूरत था। काउंसिलर साहब तो देख बोल के गए थे लेकिन बना नहीं, दूसरे तरफ चला गया, उधर थोड़ा अधूरा रह गया, और ज़रूरी भी है। और हम लोग का मसाइल है बहुत सारी, लेकिन सबसे पहला प्राइमरी हेल्थ। लेकिन जो पाँच साल जो कमेटी कॉर्पोरेशन में तैयार किया गया था, 5 साल तक रहा, अभी वो कमेटी भंग हो चुका है, उन 5 सालों में क्या काम हुआ? भाई देखिए, सही बात है, हम एक आम नागरिक है, कमेटी बनी, कौन थे कमेटी में इसका इल्म तक नहीं इलाका में है, हमसे नहीं, कई लोग हैं यहाँ पर, किसी से पूछ सकते हैं, जानता है क्या कोई, पता है कि कोई कमेटी थी, कमेटी क्या काम किया, हमको तो नहीं पता है। अखबार में नोटिफिकेशन एक बार आया था जो 13-14 लाख का कुछ मसला था कब्रिस्तान के बाउंड्री के, तो हम लोग स्कीम दिया, यहाँ की कमेटी दी, लेकिन वो भी तो नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ, पर नहीं रहे। लाइट का मामला आया था, कब्रिस्तान में लाइट लगे, वो भी तो नहीं लगा। तवज्जो देने की ज़रूरत है, और हम लोग तो पूरा समर्थन इसी गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि दें, अगर गवर्नमेंट दे रही है तो कम से कम जो लोकल हैं, जो लोकल अथॉरिटी जो इसका जो क्या बोलते हैं देख रेख करते हैं, उनको चाहिए बढ़ करके। अच्छा, रोजगार के क्षेत्र में माइनॉरिटीज़ को कितना लाभ पहुंचा है इस सरकार के बनने के बाद से? सरकार कोई प्राइमरी वाला जो आपका CPVP पुलिस में 2-4 नौजवान गए हैं, और यहाँ मेरे मोहल्ले से तो कोई नहीं गया है, अभी नज़र नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कैसा होना चाहिए, माइनॉरिटीज़ को किस तरह से यहाँ पे जगह दिया जाना चाहिए? थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए, कोई वन साइडेड नहीं हो, ऐसा नहीं कि जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ के बोल रहे हैं, हम लोग 35 साल बाम फ्रंट का सरकार में रहे, इसलिए रहे भाई, हमको अमन शांति से रखा, तो अब ये जो है, अब ये गुमान में रहे कि अभी 35-40 साल तक कर सकता है, लेकिन कुछ हम लोग तवज्जो देने की जरूरत है हम लोग को। आपका नाम? इम्तियाज अहमद। ये सीतारामपुर का मात्र एक कब्रिस्तान है जहाँ पे अल्पसंख्यक लोग घर पे यदि कोई किसी की मिट्टी हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पे उसे दफन किया जाता है। देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शेड भी नहीं है, अगर किसी की मिट्टी होती है तो यहाँ पे दफन करने वक्त जो जनाजे की नमाज होती है वो किस तरह से धूप में लोग पढ़ेंगे, या बारिश अगर रही तो किस तरह से जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, जनाजा को किस कहाँ रखा जाएगा, जनाजा भी भीगेगा। साथ ही यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता नहीं है, अगर रेलवे, जिस तरह से अभी बताया गया कि रेलवे आधी कब्रिस्तान को तोड़ देगी
क्योंकि वो लोग अपने अंडर में लेंगे, रेलवे का कुछ काम होनी है। तो उसके बाद इस कब्रिस्तान में आने का जाने का कोई ऐसा साधन नहीं है। इस रास्ता के बारे में भी यहाँ के कब्रिस्तान के कमेटी से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि यह रास्ता जो है किसी तरह से निकल जाए, यही हम लोग सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं। ये हम लोग मौजूद हैं कुलती अंचल के वार्ड नंबर 19 में और यहाँ के माइनॉरिटीज़ लोगों से हम लोग जानेंगे उनकी परेशानियाँ क्या है। यहाँ पे जो सरकार है अभी तृणमूल की सरकार है, तो इस दौरान देखा गया कि 2015 में माइनॉरिटीज़ के लिए जमुलिया, रानीगंज, आसनसोल, कुलती क्षेत्र को लेकर के एक अलग कमेटी बनाया गया आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। उसके बाद 2020-21 में वो भंग हो गया, ठीक है। तो 5 साल तक माइनॉरिटीज़ का कमेटी बनाया गया था, उसमें MIC भी डिक्लेयर किया गया था। तो उसके तहत कितना काम आप लोगों के क्षेत्र में हुआ है माइनॉरिटी? आप जाके देख लीजिए, रोड समझ में आ रहा है आपको? रोड में देखिए, रोड का हालत, कब्रिस्तान जी है वहाँ का बाउंड्री गिरा हुआ है, वहाँ पे ट्यूबवेल का ज़रूरत है, ट्यूबवेल नहीं है, वहाँ पानी का बहुत सख्त ज़रूरत है, वहाँ पानी का ज़रूरत है, लाइट का ज़रूरत है, उसके बाद आप नली का ज़रूरत है। हम लोग यहाँ पे माइनॉरिटी का काम ही नहीं हुआ, यहाँ पे खाली माइनॉरिटी को यूज़ किया जाता है, बस यूज़ कर रहा वोट के लिए और यूज़ करके उसको छोड़ दे रहा, उसका काम ही नहीं होता। आप MLA देख लीजिए, काउंसिलर देख लीजिए, आएगा नहीं, जब तक वोट है तब तक, उसके बाद एक बार भी नहीं आता। तो जैसा मालूम है कि यहाँ पे हम लोगों का पश्चिम बंगाल में, पूरे पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटीज़ का एक अहम योगदान रहा है तृणमूल पार्टी को, तो ऐसे में सरकार जो है अभी तृणमूल पार्टी की है, तो इस दौरान तृणमूल पार्टी के द्वारा या फिर कह सकते हैं MIC के द्वारा यहाँ पे कितना काम हुआ? कुछ नहीं हुआ। अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं, जो आता है फंड चला जाता है रिटर्न, हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि माइनॉरिटी का कहाँ फंड आया नहीं आया। हम लोग को यहाँ पे आगे बताया जाएगा तब ना कि ये फंड आया, आप लोग यूज़ कीजिए, स्कीम आ रहा चल जा रहा, हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा स्कीम के बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों को स्कॉलरशिप वगैरह कुछ, यहाँ आपके छोटे भाई या घर वालों को किसी को? जिसको पता रहता है वो कर लेता है, जिसको नहीं पता चलता है उसका तो खत्म हो जाता है। स्कॉलरशिप आता है चला जाता है, यहाँ पर हम लोग का यूज मतलब उसका लाभ नहीं उठा पाते हम लोग। हम लोग आके बताया जाएगा तब ना कि ये स्कॉलरशिप है, ये स्कीम है माइनॉरिटी के लिए, आप लोग यूज़ कीजिए, लेकिन ये सब आता है हम लोग को पता ही नहीं चलता। जैसा कि आप भाजपा के अल्पसंख्यक नेता हैं बुलटी के, तो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ में या अल्पसंख्यक के साथ में सरकार द्वारा कितना योजना का लाभ पहुँचाया गया है या माइनॉरिटीज़ को कितना फ़ायदा पहुँचा है या कुलती क्षेत्र में, आप इसके विषय में क्या जानते हैं? माइनॉरिटी को तो इस्तेमाल किया जा रहा है मेहमानों को, जैसे कि आप बता सकते हैं आपका जो जमुरिया, रानीगंज और कुलती, ये म्यूनसिपल्टी में था, उसको तोड़कर कॉरपोरेशन में लाया गया, ठीक है। कॉरपोरेशन में लाने के बाद उसके बाद MIC बनाया गया, तो मुसलमानों को इसमें से MIC की देख रेख में काम किया जाएगा, MIC जाकर देखेंगे। और MIC जो बने हैं वो खुद का पेट भरने में लगे हुए हैं, वो माइनॉरिटी क्षेत्र में। आप सर्वे जब कर रहे थे आप देखे होंगे कई क्षेत्र में, कब्रिस्तान आपका, फिर मदरसा, लाइब्रेरी, ये सब, मतलब लाइब्रेरी तो है ही नहीं है, ये नाम का बोलता है लाइब्रेरी, ये आपका किस तरह का हालत में है। और जब सर्वे कर आप देखे ही होंगे, तो MIC जो है खुद का पेट भरने में लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये जो तृणमूल सरकार है ये बोलती है वोट देने के टाइम बोलती है 29% वोट है मेरा है, और जब काम नौकरी देने की बात आती है तो है ना 100 में से 5 या 10 मुसलमानों को नौकरी देती है। तो मतलब नौकरी लेने के लिए, नौकरी देने के टाइम नहीं मुसलमान मेरा नहीं है, और नौकरी का वोट लेने के टाइम बोलती मुसलमान मेरा है। ये मुसलमान के साथ शुरू से दुर्व्यवहार कर रही है ममता सरकार, 2% में 5% डेवलपमेंट की। जो MIC है वो खुद नहीं आते क्षेत्र घूमने के लिए, मेरा माइनॉरिटी वार्ड थोड़ा जाकर देख लें मेरा मुसलमान किस हालत में, उसको तो देखने का फर्ज बनता है। उनको बनाया गया उस मुकाम पे, उस जगह पे उनको दिया गया, उनका हक हाँ होना चाहिए कि चलो मुसलमान वार्ड है कुल्टी में 65-66 देखते हैं वहाँ क्या हालत है, वहाँ का नगर निगम का जो पार्षद वो काम नहीं कर पा रहे, चलो हम देखते हैं, एक काम करने का जज्बा होना चाहिए। और लेकिन उनके अंदर है ही नहीं, उनके अंदर लगता है कि जितना है ले लो, फिर तृणमूल सरकार आएगी नहीं आएगी, पार्षद हम रहेंगे नहीं रहेंगे, MIC हम रहेंगे नहीं रहेंगे, जितना है रख लो उसके बाद आगे दिन चलेगा। और हम लोग भाजपा से हैं, हमारा ना पहले कुलटी में विधायक भी नहीं था तो हम लोग काम कर पाते। हम लोग चाहते हैं मुसलमानों के लिए सभी, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास देकर काम करना चाहते हैं। अब हमारे विधानसभा में, हमारे कुलटी विधानसभा से डॉक्टर अजय पोदाजी जीते हैं, अब हम लोग कुलटी में काम करेंगे, हम लोग सबका साथ लेकर चलते हैं। आप होते तो किस तरह से जरूरी सहूलियात जो है माननीय तक मैं अगर उस मतलब पोस्ट पे रहता, दायित्व में रहता, तो मैं अपना माइनॉरिटी जो वार्ड पहले वो सूची बनाता,
उस वार्ड में जाता, उस वार्ड के लोगों से बात करता कि क्या क्या यहाँ की दिक्कतें हैं, उसका उसको मैं मतलब वो ठीक करता। लेकिन ये क्या, ये घर से निकलेंगे ही नहीं, वो जो उनका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अपने वार्ड में ही नहीं अपने घर के आजू बाजू तक रहते हैं, गाड़ी में बैठेंगे फोर व्हीलर में और चले जाएंगे सीधा कॉरपोरेशन। तो कार में बैठने वाला आदमी कभी बैठता है तो कांच मतलब बंद कर देता है, उसको अंदर बाहर तक कुछ नज़र ही नहीं आता। तो गाड़ी में बैठने वाला गाड़ी में मतलब उसी तरह का सोच रखता है वो। क्या जो जरूरी सहूलियत जो था वो अल्पसंख्यक को नहीं मिल पाया, क्या जरूरी था? जैसे लाइब्रेरी है कुल्टी में, हमारी जो मुस्लिम माँ मतलब बहन जो है वो BSK कॉलेज में आए थे, ट्रेन पकड़कर जाती है पढ़ने के लिए, कुछ जाती है आसनसोल, तो उन लोगों के लिए कॉलेज मतलब उर्दू के लिए बढ़िया एक, अगर कुल्टी कॉलेज भी है तो बढ़िया टीचर होना चाहिए, लेकिन टीचर नहीं है। तो इस तरह का मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है यहाँ पर ना, मतलब लड़का लोगों को एजुकेशन का सही है, एक आपका कंपटीशन का एक छोटा सा क्लास खोल देता है कि वहाँ पर मुस्लिम लड़का लोग पढ़ेगा तो बंगाल पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस फोर्स में भी अगर अदर बैंक में नौकरी निकाले, कुछ सुविधा नहीं दिया। लाइब्रेरी में बुक नहीं है, लाइब्रेरी खुला ही नहीं तो बुक क्या रहेगा, कुछ सुविधा ही नहीं मिल रही है मुसलमानों को, मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम जिसान कुरेशी हुआ, पाचपाल संख्या मोर्चा पश्चिम बंगाल जिला उपाध्यक्ष। यहाँ पे आप लोग को माइनॉरिटी बोल करके क्या सरकार द्वारा क्या लाभ पहुँचाया गया? अभी हम लोग को कुल्टी का अवस्था में बहुत ज़्यादा परेशानी है, रास्ते का पानी जमा रहता है, रोड टूटा फूटा है, मैयत लेकर चलने में बहुत दिक्कत होती है और उसके कारण से बहुत ज़्यादा माने बारिश होने से पानी भी जम जाती है, उसके से हम लोग मैयत लेके आने में बहुत परेशानी होती है और खुला चलने भी, रास्ता का हालात बिल्कुल सही नहीं है, बहुत तकलीफ़ होती है। यहाँ पे आसनसोल कॉरपोरेशन माइनॉरिटी के लिए एक अलग कमेटी बनाया गया था, तो उसके तहत कब्रस्तान हो या मदरसा हो या फिर माइनॉरिटी क्षेत्र जो है वहाँ पर मतलब काम होना था, तो आप लोग का कितना काम हुआ माइनॉरिटीज़ का खास करके? अभी मोटा मोटी काम हुआ, पूरा फुल काम नहीं हुआ, गली वली में भी सफाई जो होती थी रोजाना भी नहीं हो पा रही है और बारिश होने से थोड़ा सा नाली में जाम भी हो जाता है, रोड तो कुछ बन गई है, रास्ते कुछ बनी है, सहूलत कुछ मिला है लेकिन मुकम्मल तरह से नहीं मिल पाया। अभी आप लोगों कब्रिस्तान आने जाने का रास्ता में क्या दिक्कत हो? अभी हम लोग को दिक्कत बहुत ज़्यादा है, दिक्कत नहीं बहुत ज़्यादा है, टोटल कच्ची मिट्टी है, जो पाइप जाने के वजह से जो मिट्टी तोपा गया उसके वजह से गड्ढा हो गया, पानी जम रहा। क्या नाम है आप कब्रिस्तान, कौन सा कब्रिस्तान? कुल्टी सेंट्रल कब्रिस्तान। अच्छा, ये यहाँ का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है? जी, कुल्टी का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, बहुत ज़्यादा बड़ा, और रास्ता जो है एकदम चालू रास्ता है, ज़्यादा परेशानी हम ही लोग को होती है क्योंकि हम लोग मैयत इधर से ही लेके आना पड़ता, दूसरा रूट है नहीं हमारा, तो दूसरा रूट से ला सकते क्योंकि यहाँ से पूरे मान लो 8-10 मोहल्ला हम लोग का है जो कुल्टी कब्रिस्तान ही आती है। माइनॉरिटीज को अलग अलग स्कॉलरशिप दी जाती है जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनको या महिलाओं के लिए, कुछ ऐसा स्कॉलरशिप वगैरह आप लोगों को मिला है, कुछ ऐसा लोन, माइनॉरिटी लोन वगैरह कुछ भी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मिला है। आपका नाम? नूर आलम। थैंक यू। रहते हैं माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक क्षेत्र में, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कितना काम जो है आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो माइनॉरिटी की एक कमेटी बनाई गई थी उसके तहत काम यहाँ पे हो पाया? देखिए, हमारा जो कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो जनाजा का नमाज जहाँ पढ़ाया जाता है वहाँ पे छत नहीं है, ठीक है, और मोहल्ले का जो मदरसा है, ठीक है, वो मदरसा कभी भी गिर सकता है, ड्रेन हम लोग का टूटा फूटा है, ड्रेन नहीं बना हुआ, रास्ता पूरा कबाड़ा है। यहाँ पे आप लोगों का और कुछ ऐसा जो है खासकर अल्पसंख्यकों के लिए कुछ ऐसा काम हो पाया है जो अल्पसंख्यक के लिए ज़रूरी था? नहीं सर, हम लोग के यहाँ तो अभी हमारे मोहल्ले में, शेषाई मोहल्ले में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ, जो चीज़ का हम लोग को ज़रूरत था, पानी हो या मोहल्ले में लाइट हो, ठीक है, वो सब कुछ नहीं मिला। आपको मालूम होगा कि राजनीति में, खास करके पश्चिम बंगाल की राजनीति में माइनॉरिटी का एक अहम योगदान रहा है, ठीक है, माइनॉरिटी जो है आज ये कहा भी जाता है कि माइनॉरिटीज़ ने तृणमूल को काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी समर्थन किया है, बावजूद उसके आप लोगों के क्षेत्र में क्या काम और बाकी रह गया? देखिए, हम लोग जो TMC सरकार है वो काम अच्छा कर रही है, ऐसा बात नहीं कि काम नहीं, खास अल्पसंख्यकों के लिए क्या काम हुआ है? हमारे मोहल्ले में कोई काम नहीं हुआ, ठीक है, एक रोड भी बना, ठीक है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, वो रोड बना ढलाई वाला रोड, ठीक है, लेकिन वो भी टूटा फूटा है, ठीक है, पाइप बिछाया गया तो कुछ घरों में पाइप का पानी। कितने सालों से इस तरह की परेशानी है आप लोगों के? बहुत सालों से।
ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं ठीक है तो आपको हम लोग दिखा सकते हैं कि हमारा जो मदरसा है इसे कभी भी वो गिर सकता है, ड्रेन है वहाँ कभी बच्चा गिर सकता है या गाड़ी गिर सकती है, इसी बात में। और आप लोगों की सरकार से मतलब क्या उम्मीद क्या करते हैं कि माइनॉरिटीज के लिए या अल्पसंख्यक उसके लिए क्या और ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए थी जो नहीं हो पाई है? ठीक है सर, हम लोग ज़रूरत जो चीज़ है एक रास्ता, हमारा जो मदरसा टूटा फूटा है वो बन जाए, ड्रेन बन जाए और पानी का हम लोग सुविधा होना चाहिए। हम लोग नदी से पानी ला के पीते हैं या फिर दूसरा बस्ती जाना पड़ता है, मांझी बस्ती, वहाँ से पानी लाना पड़ता है, या तो फिल्टर उतना दूर है 1.5 किलोमीटर वहाँ जाइए पानी के लिए। अब नदी के कच्चा पानी कब तक पिएंगे, या कॉरपोरेशन वाला जो पानी आता है वो पीने का लायक नहीं है। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए क्या सुविधाएँ जो है होनी चाहिए थी या आप लोगों को क्या सुविधाएँ मिली है, इस विषय में थोड़ा बताइएगा। माइनॉरिटी सेल से अभी तक तो हम लोगों को कोई सुविधा खास मिली नहीं है। हमारे यहाँ मदरसा है, स्कूल है और रास्ता है, रोड है, मगर किसी तरह का भी माइनॉरिटी सेल से हम लोगों को कोई सुविधा मिला नहीं है कि यहाँ पे 200 बरस से ये बस्ती बसी हुई है, 800 साल से शेर बाबा का मजार शरीफ है, ठीक है यहाँ पे कब्रिस्तान भी है, लेकिन कभी भी माइनॉरिटी सेल के कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी उपाधि धारक यहाँ पर आकर कोई काम नहीं किया, ना कुछ बात किया। लेकिन आपको बता दें कि आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग कमेटी बनाई गई थी, जिसके द्वारा देखिए उस कमेटी में 2015 से लेकर 2020 तक वो कमेटी रही, उसके बाद भंग हो गई। उस कमेटी में कौन लोग हैं, किन लोगों को चुना गया है, ये तो आम लोगों से बात हुई नहीं थी, इसकी जानकारी आपको है? नहीं, जानकारी नहीं है। और कौन उसमें हेड है या इंचार्ज है उनके बारे में भी खबर नहीं हम लोगों को। अगर कोई भी होता और माइनॉरिटी सेल के लिए कुछ भी काम करने वाला होता तो यहाँ आकर जरूर पूछता, या हमारे सबके बाजार में हो या मजार में हो, कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे बच्चों को कोई स्पेशली मतलब अल्पसंख्यक बोल करके कुछ ऐसा लोन या फिर कुछ ऐसा जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों के लिए कुछ स्कॉलरशिप वगैरह ये सब? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे एक स्कूल है, एकता प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पे मैं उसका टीचर भी हूँ, तो यहाँ पे अभी तक माइनॉरिटी सेल से कोई भी ऐड नहीं मिला है हमारे स्कूल में बच्चों के लिए। यहाँ पे उर्दू भाषा भाषी स्कूल है, यहाँ पे उर्दू भाषा मदरसा है, लेकिन बंगाली भाषा में हम लोगों का एकता प्राइमरी स्कूल है। उर्दू भाषा भाषी स्कूल इस क्षेत्र में है? नहीं है, लेकिन दूर में है, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। लाइब्रेरी वगैरह ये सब बनवाया गया? लाइब्रेरी भी कुछ नहीं है, अभी तो नल कॉरपोरेशन लगाया है, ये माइनॉरिटी सेल का तो है नहीं। माइनॉरिटी सेल को पहले ही यहाँ पे पानी का प्रबंध करना चाहिए, पीने का पानी का प्रबंध करना चाहिए, कब्रिस्तान में कुछ बाउंड्री के लिए या लाइट के लिए कुछ भी करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे नाली नहीं है, मेन समस्या नाली का है। अगर कॉरपोरेशन नल लगा दिया है तो पानी तो रोड पे जा रहा है। लेकिन तृणमूल सरकार जो है कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक संख्यकों का चहिता गवर्नमेंट माना जाता है या फिर चहिता पार्टी माना जाता है? वहाँ की टीएमसी जो है हमारे अल्पसंख्यकों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उनके जो छोड़े हुए नुमाइंदे थे वो हमारे तक पहुँच नहीं पाए, ये है प्रॉब्लम। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद कासिम कादरी है, मैं यहाँ पे एकता प्राइमरी स्कूल का सेकंड हेड टीचर हूँ। माइनॉरिटीज क्षेत्र है तो यहाँ पे अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज जिन्हें कहा जाता है यहाँ पे उन लोगों के लिए कितना विकास हुआ, कितना डेवलप हुआ है? देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिसे हम विकास बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का मौलाना आज़ाद स्कूल है जिसके लिए आज 10 साल से एप्लीकेशन दिया जा रहा है, जो कि बहुत सारे माइनॉरिटी के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो भी डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है, स्कूल कब गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं है। प्लस पॉइंट हम लोगों का कब्रिस्तान जैसे है उसके लिए शेड के लिए बोला गया था, उसका आपका बाउंड्री के लिए बोला गया था, तो लेकिन अभी तक कितने दिनों से कब्रिस्तान के बारे में लगभग आपका 5 साल हो गया कब्रिस्तान का भी, 5 से 6 साल 7 साल का लगभग में, उसके लिए अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया गया, ठीक है। कितना ही नेता लोग आए गए, वो लोग वादा किए वो लोग आएंगे करेंगे काम, लेकिन अभी तक कोई काम किया नहीं गया। स्कूल का आपका मामला कितना साल से? स्कूल का कम से कम 10 साल हो गया आज, ठीक है। प्लस पॉइंट ये रोड आज से 10 साल से ये रोड पूरा फट चुका है, लेकिन इसके लिए रोड के लिए भी दस साल से लगभग आज डैमेज है, ठीक है। आज कितने ही नेते लोग आए, बोला गया कि ये रोड बन जाएगा, बोल्डर लगेगा तो कभी स्टील का पाइप लगेगा, बहुत सारा यहाँ पे वादा किया गया, लेकिन अभी तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया। जितेंद्र तिवारी भी जो एक्स हम लोगों के मेयर थे, उन्होंने भी वादा किया था कि हम लोग यहाँ पे रोड बनवाएंगे, स्कूल का डेवलपमेंट का काम होगा, कब्रिस्तान में सेट बनेगा, कब्रिस्तान में बाउंड्री का काम किया जाएगा, लेकिन उन्होंने भी कोई काम नहीं किया अभी तक। और हम लोगों का जितना भी काम पड़ता है हम लोग किसके पास जाए,
यहाँ पे माइनॉरिटी का कोई भी एक ऐसा सदस्य नहीं है जिसके पास हम लोग अपना जाके कुछ बोल सके उसको कि वो हम लोगों का आवाज़ उठा सके। यहाँ पे किसी भी वार्ड में कहीं भी कोई भी एक माइनॉरिटी का बंदा नहीं है कि जो हम लोगों का बात अपना रख सके, ऊपर कॉरपोरेशन में हो, म्यूनसिपैलिटी में हो, जहाँ भी हो, ठीक है। जिसके और फिर बोला भी ये भी गया था कि मस्जिद का बाउंड्री होगा, वो भी अभी तक नहीं किया गया। ये मस्जिद का रोड है, इसको भी नहीं देखा जा रहा है। कब्रिस्तान भी नहीं देखा गया, स्कूल आज 10 साल से देखा नहीं गया। ये रोड कम से कम 8 साल 10 साल से डैमेज, इसे भी नहीं देखा गया। कितना ही नेता लोग आए और गए, जो लोग आ रहे हैं अब हम लोग भरोसा करें भी तो किसके ऊपर करें। तो आज से 2015 में जब आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का गठन हुआ था तो उस वक्त माइनॉरिटी को लेकर के एक अलग कमेटी बनाई गई थी, तो उस कमेटी के तहत कितना काम हुआ आपके एरिया में? मेरा अगर मैं अगर देखूँ या यहाँ के आवाम अगर देखे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम हुआ है, ठीक है। और रहा सवाल ये कि अभी तक ऐसा कोई भी सदस्य वहाँ से नहीं आया कि आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है। जो हम लोगों का माइनॉरिटी का जो वहाँ पे गठन जो भी किया गया था, तो अभी तक वहाँ से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। इस बारे में आप लोगों को जानकारी है कि माइनॉरिटी का कोई कमेटी बना था? नहीं, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। हम लोगों को जानकारी कितने सालों से आप मतलब इस तरह की परेशानी को फेस कर रहे हैं? कम से कम मुझे लग रहा है कि आज 10 साल हो गया, ठीक है, लेकिन अभी तक हम लोगों का कोई भी काम नहीं किया गया। ये रोड आज कम से कम मुझे लग रहा है CPM का जिस वक्त में काउंसिलर साहब थे उस वक्त बनाया गया था 15 साल पहले, लेकिन अभी तक उसके बाद ना ये रोड बना ना कुछ हुआ, तरीका से काम नहीं किया गया। आपका नाम? कितना मतलब आप लोग माइनॉरिटीज एरिया में कितना काम आप लोगों का हो पाया है? हम लोगों नजरिया से कोई काम नहीं हो पाया, ना रोड का इधर काम हुआ है, ना स्कूल का, जिस तरह बिट्टू बोला उसी तरह कोई काम भी इधर हम लोगों नजरिया से कुछ ऐसा काम नहीं हो पाया। माइनॉरिटीज यहाँ की जो माइनॉरिटीज लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, किस तरह का यहाँ पे डेवलप चाहते हैं, कैसा काम? जैसे रोड हो, स्कूल बन जाए, और जो हम लोग का कब्रिस्तान का काम इस तरह काम होना चाहिए, और क्या। लाइब्रेरी वगैरह कुछ आप लोगों का यहाँ सब भी होगा तो बेनिफिट है, बच्चा लोग पढ़ेगा और क्या, उसमें लड़का लोग बेनिफिट है, यंग जनरेशन लोग को। लेकिन आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक कमेटी बनी थी खास माइनॉरिटी के लिए, तो माइनॉरिटी के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी के तहत कितना काम यहाँ पे कुछ ऐसा काम? हमको कुछ मालूम ही नहीं कि कमेटी बना कि नहीं बना, हमको सब कोई आइडिया ही नहीं। आपका नाम? MBNI सकता मालूम है। आज से 2015 में जब तृणमूल की सरकार दूसरी बार सत्ता में आई तो उसके बाद जमुड़िया, रानीगंज और पुलटी तीनों म्यूनसिपैलिटी को भंग करके आसनसोल कॉरपोरेशन का गठन हुआ। उस दौरान आसनसोल कॉरपोरेशन में अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग कमेटी बनाई गई, तो उस कमेटी का नुमाइंदा आपको चुना गया था, तो उस दौरान माइनॉरिटी के लिए जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए कितना काम आप कर पाए आप अपने 5 साल के कार्यकाल में? देखिए 2015 का जो रोड बना, ये 2015 में आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पुलटी म्यूनसिपलिटी, रानीगंज म्यूनसिपलिटी और जमुनिया म्यूनसिपलिटी को ज्वाइन करके आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाया गया। उसके बाद वहाँ पर एक जो MIC का जो दफ्तर होता है, वाटर है, उसके बाद माइनॉरिटीज है, वुडिंग है, मतलब जो भी है, स्पोर्ट्स है, सब का अलग अलग, और SC ST है, और उसके बाद हेल्थ था और शिक्षा था, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट था। उसमें MIC हमें भी बनाया गया था और मेरी बोर्ड का मेंबर मेरिन काउंसिल था, तो उसमें माइनॉरिटी दफ्तर दिया गया था। तो अल्पसंख्या जो दफ्तर दिया गया था, तो अल्पसंख्या का टोटल काम जो है उसके लिए माइनॉरिटी ऑफिस ऑलरेडी आसनसोल में ऑफिस में था, आसनसोल कॉरपोरेशन में ही डिस्ट्रिक्ट में था। आसनसोल जब पश्चिम बर्धमान हुआ उससे पहले SDO का मार्फत काम होता था, जब पश्चिम बर्धमान हुआ तो उसके बाद माइनॉरिटी का बोर्ड था, माइनॉरिटी का काम जो है वहाँ से होता था, DM ऑफिस से होता था, तो वहाँ हमारा माइनॉरिटी के एक ये भी थे डिपार्टमेंट था जो वो देख रेख कर रहे थे। लेकिन माइनॉरिटी जो दिया गया तो उसमें कुछ काम भी दिया गया था, कुछ फंड अलॉटमेंट किया गया था कि माइनॉरिटी का काम किया जाए, लेकिन उस बोर्ड में माइनॉरिटी को काम दिया गया था माइनॉरिटी का काम करने के लिए, स्कूल का काम नहीं कर पाए। वजह यह था कि फंड नाम का अलॉटमेंट किया जाता था लेकिन फंड दिया नहीं जाता था, लेकिन उसके बावजूद सक्टोरिया में हम काम किए, किदगा का काम किए, गुजरा का काम किए, और बहुत सारा माइनॉरिटी का जो काम था वो काम किए। उसके अलावा हम लोग माइनॉरिटी के तरफ से मैंने 6 कब्रिस्तान का काम कराए, उसमें करीब करीब नहीं भी तो 1 करोड़ से ऊपर का काम था, जिसमें उनकी मस्जिद का एक बाउंड्री था, उसके बाद खेलिंगडा कब्रिस्तान था, उलतोड़ा ईदगाह का बाउंड्री था, शेरी डाल, उमरपुर,
अपर कुमारपुर जो प्रवर्तन है वहाँ का बाउंड्री वॉल था, आसनसोल ईसा ग्राम जो प्रवर्तन है वहाँ का बाउंड्री वॉल था, जमुनिया का बाउंड्री वॉल था प्रवर्तन का, तो छः प्रवर्तन का काम किए मानसी के दफ्तर से और मोटा मोटी एक करोड़ से ऊपर का काम किए। जैसा कि बता दें कि तृणमूल सरकार बनाने में सबसे अहम रोल जो है वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों का रहा है, हमेशा से पश्चिम बंगाल में रहा है। तो इस दौरान जब हमने सर्वे किया तो बहुत ऐसा जगह पे देखा गया है, चाहे वो उर्दू प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे कब्रिस्तान हो, तो वहाँ का रास्ता हो या फिर कब्रिस्तान का बाउंड्री या शेडिंग को लेकर के बहुत सारा अल्पसंख्यकों ने हमें कंप्लेन किया, बताया कि ऐसा ऐसा समस्या हम लोग फेस कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि माइनॉरिटी के साथ में इस तरह का व्यवहार तृणमूल का आगे चल करके कुछ ऐसा नुकसान हो? नहीं, ऐसा बात नहीं है। इससे पहले कभी सरकार हम लोग देख चुके हैं और आप लोग भी देखे होंगे, 34 साल वामपुरम की सरकार देखा, उसमें माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं हुआ। लेकिन ममता सरकार जब से आई, ममता बनर्जी की सरकार की सरकार जब से हुई है, तब से आपने देखा होगा कि इमाम भाता, मोबिन भाता, उसके अलावा कब्रिस्तान का डेवलपमेंट के लिए फंड दिया जा रहा है, मस्जिद के डेवलपमेंट के लिए फंड दिया जा रहा है। तो बहुत सारा काम जो है इस ममता बनर्जी के सरकार में हुआ जिससे पहले देखने को नहीं था। लेकिन काम का मामला जो है कि देखिए, बहुत सारा ऐसा काम है, चाहे मेजोरिटी का हो या माइनॉरिटी का हो, काम जिंदगी भर होता रहेगा, काम कभी खत्म नहीं हुआ, बढ़ता रहेगा। आज एक काम कम्प्लीट किए तो कल दूसरा काम का आगाज हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा। तो ये चलता रहता है और इसी दरमियान में हमें काम भी करना होगा और काम करवाना भी होगा और ममता बनर्जी की हुकूमत काम कर रही है। अच्छा, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ अलग प्रावधान कर पाएगी आपकी सरकार? देखिए, अलग बोल के कुछ नहीं है, माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो, ये ममता बनर्जी दोनों को लेकर चलती है और इसके लिए कुछ अलग स्पेशल नहीं होगा। लेकिन माइनॉरिटी का जो इख्तियार है, जो अधिकार है, जो हक है, जो हुकूक है, वो मिलेगा और ममता बनर्जी कर रही है। और आइंदा आने वाला दिन में भी उम्मीद रखते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार माइनॉरिटी के लिए काम करे। आपका पूरा परिचय? मीर हासिम, मेंबर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, हाथों के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। थैंक यू।